अरे शुरू तो करो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट विद्रुचि मैम। तो चलिए आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। भीड़ बंद रखो दरवाजा और सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। टेलीग्राम में लिंक पड़ चुका है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाया करें। अगर यूट्यूब में वीडियोस नहीं मिल रही है तो टेलीग्राम में लिंक पड़ जाता है, वहाँ से ज्वाइन हो जाएं और शेयर कर दें। सारे बच्चों को शेयर करें कि सब लोग आ जाएं क्लास में फटाफट। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका पाठक, नुपुरी गुड मॉर्निंग। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा आप फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर सीन कर रहे हो कि क्वेश्चन क्या है, देखिए पूरा क्वेश्चन अब दिख रहा है ना, मैच करने में प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चंस की जो शुरुआत हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपका टेक्सटाइल से संबंधित हो जाता है। आपको जानना है इसमें जो आपकी शब्दावलियां प्रयोग की गई हैं, समझ रहे हो ना, जो शब्दावलियां प्रयोग की गई हैं ये कहाँ से संबंधित हैं, क्या हैं, इन सारी चीजों को हमें समझना है। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं किसकी। सबसे पहला आप यहाँ पर एक सूची वन दी है, सूची टू दी है। ये जो शब्दावलियां दी गई हैं ये किसी न किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट से रिलेटेड हैं, जिनको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करके मैच करना है। तो एक बार बता दीजिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि क्या ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर है आपका, बोथ आर क्लियर। एक बार कंफर्म कर दें सारे बच्चे कि क्या सारा कुछ क्लियर है, जिससे हम आगे अपनी क्लास को प्रोसीड करें, बता दें भाई। चलिए देखिए, जो सबसे पहले मिलता है क्या आपको, पटचित्र। क्या पटचित्र, पटचित्र क्या है? सबसे पहले इनके हम सारे टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि क्या क्या विशेषता है जो इनको नाम ऐसे दे दिए गए हैं। जब हम बात करते हैं पटचित्र की, पटचित्र क्या हुआ है, एक स्क्रॉल पेंटिंग किया हुआ एक कपड़ा होता है, पेंटिंग किया हुआ, आप इतना समझिए कि ये कैसा कपड़ा होता है, पेंटिंग किया हुआ एक कपड़ा होता है जिस पर नमूने जो होते हैं परंपराओं पर आधारित बने होते हैं, ठीक है ना। अब परंपराओं पर आधारित, जैसे कोई भी एरिया है उस एरिया में कौन सा परंपरागत आपका त्योहार है या कोई आपकी ऐसी परंपरा जिसको हम रीति रिवाज बोलते हैं कि कौन सी पौराणिक कथाएं वहां पर प्रचलित हैं, तो एरियाज के हिसाब से क्या कर दिए जाते हैं, उन कपड़ों पर पेंटिंग कर दी जाती है, ठीक है। जैसे खासकर ये पेंटिंग जो है आपकी पूर्ववर्ती राज्यों में ज्यादा मिलती है। जब हम इंडिया के मैप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। देखिए जब आप क्या बनाते हो इस तरह से, क्या कुछ कुछ आप इंडिया का मैप बना लेते हो, ठीक है। इस तरह से जब आप इंडिया का, तो जब आप इस एरिया को देखते हो, ठीक है, जब आप क्या करते हो इस तरह का एरिया जब देखते हो इंडिया के मैप में, तो पूर्ववर्ती राज्यों की बात आती है। पूर्ववर्ती राज्य आपका इस तरफ, पूर्ववर्ती राज्य अब यहाँ पर आपकी क्या चारों दिशाएं बट जाती हैं, ठीक है। जैसे आप दक्षिण एरिया डिसाइड करते हो, ठीक है ना, और आप क्या करते हो इस तरफ पूर्व पश्चिम और इधर आता है आपका उत्तर, ठीक है। तो एरिया जब आप टेक्सटाइल में इन टर्मिनोलॉजी को देखते हो, जब आप पर्टिकुलर परंपरागत वस्त्रों को पढ़ते हो, तब आपको वहां पर क्या एरियाज को बताना होता है, इंडिकेट करना होता है कि कैसे कैसे एरिया, तब आप थोड़ा मैपिंग के थ्रू क्या करते हो आप ज्यादा चीजें। तो पूर्ववर्ती राज्यों की जब बात आती है
तो हम इस तरफ के एरियाज ले लेते हैं, ठीक है, पूर्ववर्ती एरियाज हम इस तरफ से ले लेते हैं, मध्य प्रदेश के उस तरफ से, ठीक। तो समझ में आई बात ना, पूर्ववर्ती राज्य हमारे क्या होंगे, यही है पूर्व। अब पूर्ववर्ती राज्य में आपका खास का क्या आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बहुत जरूरी है। पूर्ववर्ती राज्य में आपका क्या, उड़ीसा आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया। तो कहने का मतलब ये कि जैसे उड़ीसा हुआ, उड़ीसा का क्या पौराणिक वहाँ की क्या कथाएं हैं, क्या वहाँ पर त्यौहार हैं जो परंपरागत तरीके से चले आ रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, तो उन्हीं चीजों पर आधारित है हमारा क्या पटचित्र। एक पेंटिंग के माध्यम से किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को दर्शाया जाता है, ठीक है, उसी के विषय में पेंटिंग की जाती है कपड़े पर। पिचवई की जब हम बात करते हैं तो पिचवई भी आपका क्या हो जाता है कि ये भी एक खासकर क्या होता है कि ये भी भक्तिपूर्ण कोई भी चित्र अंकित कर दिए जाते हैं किसी कपड़े पर, एक विशेष कपड़े पर, ठीक है। गुड मॉर्निंग रूबी कुमारी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो भक्तिपूर्ण चित्र क्या करते हैं, जो कपड़े पर होते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स मिल जाती हैं, कपड़े पर बनी हुई मिलती हैं, अच्छे से डेकोरेट होती हैं, उन पर नमूने बने होते हैं, जैसे कान्हा जी का नमूना बना है कोई, या फिर कोई ऐसे नाथ द्वार की पेंटिंग कर दे जो बहुत ही फेमस हो और हमारे खासकर ऐतिहासिक धरोहर में भी उन चीजों को क्या किया गया हो, शामिल किया गया हो। जैसे वल्लभाचार्य द्वारा क्या स्थापित कोई भी जो उनका मंदिर है उसका नमूना, उसकी पेंटिंग कर दी गई, ठीक है, तो वही क्या होता है आपका पिचवई होता है। सीधे सीधे अगर बात की जाए तो सीधे सीधे जब बात आती तो कोई भी धार्मिक कथाओं से रिलेटेड चित्र जब किसी कपड़े पर अंकित कर दिए जाते हैं, और कपड़े का मतलब ऐसा कपड़े उसका पर्टिकुलर एक नमूना बनाया जाता है जो कि क्या दीवार पर ऐसे लटका दिया जाता है, ठीक है ना, और जिसको आप क्या समझते हो, हैंगिंग, टेंपल हैंगिंग। टेंपल हैंगिंग के नाम से ही पता चलता है कि टेंपल की बात आती है, मतलब मंदिर की बात आती है, तो सीधे सीधे किससे रिलेटेड हो जाता है जाकर के आपका, सीधे सीधे आपका धार्मिक कथाओं से आधारित हो जाता है। हैंगिंग का मतलब ही होता है लटकाना, किसी चीज को लटकाना, दैट्स कॉल्ड हैंगिंग। टेम्पल मतलब मंदिर। जब हम बात करते हैं मशरू की, क्या करते हैं मशरू के, तो मशरू का मतलब होता है जब हम दो फैब्रिक को एक साथ मिक्स करके किसी भी एक कपड़े का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका मशरू, ठीक है। जैसे कॉटन एवं सिल्क का मिश्रित रूप, कॉटन एवं सिल्क का मिश्रित रूप। इस समय सिल्क की साड़ियों का बड़ा ट्रेंडिंग है, बहुत ही ज्यादा प्रचलन है, लोग पसंद भी करें पहन रहे। आप सोचिए क्या सिल्क की साड़ी अब जिस तरह से ट्रेंडिंग में है, फैशन, तो वो पूर्ण रूप से सिल्क नहीं होती है, ठीक है, उसमें मिक्सिंग होती है। तो आप देखिए दुपट्टे भी बहुत ऐसे नॉर्मल आपको मिल जा रहे हैं, 200, 300, 400 इस तरह से मिल जा रहे हैं, तो वो प्योर सिल्क नहीं, उसमें किसी ना किसी एक फैब्रिक का क्या है, मिश्रण है, वही क्या कहलाता है आपका मशरू, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी, हिमरू की बात करते हैं, तो हिमरू में क्या होता है कि इसमें भी आपका रेशम और कॉटन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेशम और कॉटन हिमरू में भी आता है, ऐसा नहीं है कि हिमरू में नहीं आता है, लेकिन ये खास करके हमारी एक स्पेशल जगह की नाम आ जाती है, जिसमें जैसे खासकर हम शब्द जोड़ देते हैं क्या, औरंगाबाद, एक स्थान, पर्टिकुलर हिमरू जो है एक पर्टिकुलर स्थान को इंडिकेट करता है और वहां की विशेषता को दर्शाता है। एल्पोना की हम अगर बात करते हैं कि एल्पोना क्या है, तो एल्पोना जो होता है वो आपका सीधे सीधे अल्पना होती है, अल्पना समझ रहे हो ना, अल्पना रंगोली बनाना। रंगोली जब हम लोग, दीपावली आ रही है अभी, हम लोग ढेर सारी रंगोली अपने घरों में बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड अल्पना लिखा है। जब आप इंग्लिश वर्जन देखोगे तो आप सीधे सीधे ये क्या लिखा हुआ है, अल्पना, ओके, तो ये क्या है आपका, आपका अल्पना, आप समझ गए। चलिए मैच करिए फटाफट और बताइए इसका कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा। तो चलिए बताएं इसका कौन सा ऑप्शन है जो राइट जाएगा,
फटाफट बताएं, कमेंट्स करें और बताएं। चलिए इसका देखिए मैच करते हैं। अब हम इसको सॉरी ए का मैंने बताया पटचित्र किसको जाएगा, पेंटेड पैनल को जाएगा, ठीक है। और जो आपका पिचवई जा रहा है वो कहाँ के लिए जा रहा है, मैंने बताया टेम्पल हैंगिंग जा रहा है, ठीक है। मशरू बताया मतलब हमने बताया मिक्सिंग, ठीक है। तो कॉटन और सिल्क का मिश्रण, तो मशरू किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शन फिफ्थ को, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो पूर्ण रूप से परफेक्ट जा रहा है। ओके तो चलिए ये क्लियर हुआ ना, सारे पॉइंट क्लियर हुए। क्या है बात यहाँ पर आती है, क्या एक शब्द यहाँ रह गया फिगर्ड मसलिन। फिगर्ड मसलिन को आप क्या जानोगे, फिगर्ड मसलिन आपकी जामदानी को भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं जामदानी को। ओके तो जब हम जामदानी की बात करते हैं तो जामदानी आपका खासकर मलमल से बनाया जाता है। तो सारे पॉइंट क्लियर हुए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार डाल के अभी टिक कर लीजिए, आपका नेट के एग्जाम में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, नो डाउट मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। एक क्वेश्चन इन चारों में से हो सकता है एज इट इज मिल जाए, हो सकता है इन चारों शब्दावलियों में कोई एक शब्दावली मिल जाए, नो डाउट। हम बात करेंगे किसकी, इको मार्क की। क्या है इको मार्क, इको मार्क देखिए एक इन टर्मिनोलॉजी को पढ़ने से पहले जरूरी है ये सारे सिंबल्स देता कौन है, ये सारे सिंबल्स कौन ये देता है। तो देखिए जो आपका बिस नाम सुना है ना आप लोगों ने, बी आई एस, बहुत ही इस सेक्टर का फेवरेट नाम है बिस, ओके, जिसको हम बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब आपको जितने भी मार्क दिए जाते हैं, चाहे वो एग मार्क हो, चाहे वो आईसीआई मार्क हो, चाहे वो हॉल मार्क हो, चाहे वो इको मार्क हो, और ढेर सारे मार्क होते हैं, सब कौन देता है, कौन सिंबल प्रोवाइड कराता है, कौन ऑथेंटिक करता है, तो बीस करता है। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि अलग अलग नाम होते हैं और सिर्फ 20 को दे दिया जाता है, बी आई एस ऐसे लिखा होता है, 20 ऐसे लिखा होता है या इस तरह से लिखा मिल जाता है हिंदी में, बी आई एस आई एस ऐसे। आप सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि 20 क्या है, ठीक है, समझ गए ना कि इन चीजों का प्रमाणीकरण कौन करता है, 20 करता है। अभी ये 20 अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीजों को एक प्रमाण देता है, एक चिन्ह देता है, जो कि ये बताता है कि वस्तुओं में कितनी शुद्धता है, वस्तुओं में कितनी अच्छी क्वालिटी है। ओके तो आई होप दैट आप इस पॉइंट को समझे होंगे कि बीस क्या है और इनका काम क्या है। चलिए अब आपको देखना क्या है, इको मार्क की जब बात आती है तो इको से पता चलता है, जैसे आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी थ्योरी, तो किसको इंडिकेट करती है, पर्यावरण को। तो सीधे सीधे हम जब यहां पर पर्यावरण का मतलब ये नहीं कि हमें पर्यावरण के विषय में ज्ञान दिया जाता है, नहीं, पर्यावरण का मतलब यहाँ पर इको मार्क ये है कि पर्यावरण कोई चीज हम प्राकृतिक रूप से कितनी शुद्ध है उसका एज ए सिंबल दे दिया जाता है। मान लीजिए कोई एक पूरी अर्थ बना दिया, अर्थ बनाया और इसी में क्या कर दिया, एक छोटा सा इस तरह आप लोगों ने देखा होगा कभी सिंबल, कुछ इस तरह से करके घुमा के ये ट्री बना दिया या इस तरह से बना दिया कि मतलब 100% ये क्या है, इकोलॉजी है, प्राकृतिक तरीके से पर्यावरण तरीके से ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है, ठीक है। तो पर्यावरण अनुकूल उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, दैट्स कॉल पर्यावरण अनुकूल उत्पाद। और जो जिन पर इको मार्क नहीं होता है तो वो चीजें हमें क्या करती हैं, आप देखिए कभी आते जाते ये सारी चीजें आपको रास्ते से ही सीखने को मिल जाती हैं। ऐसे क्या होता है, सर्किल सर्किल बने होते हैं, जो चीजें पर्यावरण अनुकूल नहीं होती हैं उन पर ऐसे फिगर बना के क्रॉस का सिंबल लगा होता है, और जो यूजफुल होते हैं उन पर राइट का सिंबल लगा होता है, ठीक है। तो बहुत कुछ हमें सड़क चलते हुए भी सीखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉलमार्क की। हॉलमार्क क्या है, सीधे सीधे आप सभी जानते हो आभूषणों के लिए हमें इंडिकेट करता है, लेकिन जानना क्या है आपको, जब हॉलमार्क की बात आती है किसकी,
हॉलमार्क की बात आती है तो हॉलमार्क हमें ये बताता है कि हम जो गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं ना, समझ लो सोना चांदी सभी पहनते हो, तो उसमें कितनी प्योरिटी है। तो सबसे शुद्ध प्योरिटी जो होती है, अच्छा हॉलमार्क माना जाता है 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। उसके बाद इस 24 कैरेट की कभी भी ज्वेलरी नहीं बनती, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस होती है और अगर आप पहन के चलोगे तो आपके लिए घर हो सकता है। ठीक है, खैर ये तो मजाक की बात थी। 24 कैरेट गोल्ड का कभी भी ज्वेलरी नहीं बनती है। ज्वेलरी हमेशा 22, 20, 18 यहाँ तक कि 16 तक भी देखने को मिलता है। ज्वेलर्स की शॉप जितनी घटिया होती जाएगी, कैरेट का जो कैरेट की वैल्यू होगी वो उतनी ही गिरती जाएगी। ठीक है ना, इसीलिए हमको जब इको ये हॉलमार्क का सिंबल हमें ये बताता है कि हमारी ज्वेलरी किस कैरेट पर जा रही है। ठीक है ना, तो आप ध्यान दीजिए जब भी ज्वेलरी लीजिए तो इन मार्क का जरूर जिक्र करिए अपनी शॉपकीपर से। तो समझ में आई बात ना, कि हम 24 कैरेट हमारे ज्वेलरी के लिए उपयोगी नहीं होती है, 22, 28। और जैसे जैसे कैरेट का रेट गिरता, जैसे जैसे कैरेट का गिरता जाता है, एक तरह से कैरेट की मेजर गिरती जाती है, उसी तरह से आप देखिए गोल्ड का रेट भी गिरता जाता है। अब ये मत समझिएगा कि मैम ये क्या कह रही है, ये बिल्कुल हम सच कह रहे हैं। जैसे आप क्या करते हो, मोल भाव करते हो, बहुत कॉमन चीज़ है और व्यवहारिक चीज़ है। आप मोल भाव कर लेते हो और उसे कुछ बहुत पैसे छुड़वाते, क्यों उसको क्या पैसे छुड़वाने में, जब भाई जो चीज़ें यूनिवर्सल उसका रेट वही है, उसे नहीं कम करना चाहिए रेट, लेकिन वो कम कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप कैरेट का जिक्र नहीं करते हो, वो आपको गोल्ड देता है कितना 16 कैरेट का, पैसे लेता है कितना 20 कैरेट का। ठीक है, तो सारी कैरेट के रेट भी अलग अलग होते हैं, इतना जान लीजिए, क्योंकि आप सभी ज्वेलरी सबको अच्छा लगता है पहनना, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ISI की हम बात करते हैं, किसकी, ISI की। जब ISI की बात करते हैं तो ये क्या होता है, हमारे औद्योगिक उत्पादों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। किसके लिए, औद्योगिक उत्पाद के लिए। तो ये जब भी हमारे जो चीज़ें, जैसे सरिया हो गया, सीमेंट हो गया, जितनी भी चीज़ें औद्योगिक जगत से रिलेटेड हैं वो कहाँ पर आती हैं, ISI मार्क उनको प्रमाणित किया जाता है, उसकी शुद्धता बताई जाती है कि कितना अच्छा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एगमार्क की। तो एगमार्क आपका कृषि संबंधित, विपणन से संबंधित होता है, कृषि संबंधी जो उत्पाद होते हैं, लाइक आपका वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, ठीक है ना, जो भी अनाज है, दालें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, ये सारी की सारी किसे प्रमाणित की जाती हैं, एगमार्क जैसे सिंबल से प्रमाणित की जाती हैं। तो चलिए मिलाते हैं फटाफट, कौन सा किसमें फिट बैठ रहा है। ए का चौथा जा रहा है, कौन सा चौथा, ये दो तो अपने आप कट गए, बचा बी और डी। हॉलमार्क किसका प्रमाणित कर रहा है, आभूषण के लिए, यानी बी का सिक्स। यहीं से मिल गया, हमको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फूल व्यवस्था से रिलेटेड है, आपका होम मैनेजमेंट से आता है। अब हम इसकी बात करते हैं, फूल व्यवस्था से संबंधित शब्द को अपनाइए, फूल व्यवस्था से संबंधित को पहचानना है हमें। तो पहला वर्ड दिया है फेंग सुई, दूसरा यिंग यांग, तीसरा है इकेबाना और चौथा है अल्पना। अल्पना अभी हमने आपको पढ़ाया किस नाम से, एल्पोना नाम से पढ़ाया ना, तो ऐसे लिखा था, एल्पोना नाम से पढ़ाया, वही है क्या आपकी अल्पना। तो अल्पना जब आप देखते हो तो खासकर ये आप खुद बना सकते हो, या बहुत ही विशेष स्थानों में विशेष प्रकार की अल्पनाएं निर्मित की जाती हैं। जब हम बात करते हैं फेंग शुई की, तो फेंग शुई थोड़ा चीन से रिलेटेड शब्द ही लग रहा है, यिंग यांग और फेंग शुई। तो जब फेंग शुई की बात होती है तो ये प्रकृति आधारित होती सजावट के लिए, लेकिन वहाँ के एटमॉस्फियर के अकॉर्डिंग, मतलब एक व्यक्ति को अपने वातावरण से संबंधित, जो कि हमारा पेड़ पौधे में, मतलब अपने वातावरण को किस तरह से एक बनावटी रूप में अपने घर में उसका नमूना या उसका रूप प्रदर्शित कर सकता है,
ठीक है, तो वही कहलाता है आपका फेंग सुई। जैसे उदाहरण के तौर पर बता दें, आप लोगों ने देखा होगा, अब अपना इंडियंस में भी हर जगह देखने को मिलता है, तो क्या होता है कि ऐसे सोफा लगा होता है, तो सोफे के बगल में एक छोटी सी टेबल रखी होती है, उसके ऊपर क्या एक फ्लावर रख दिया जाता है, एक फ्लावर पॉट बहुत अच्छा सा रख दिया जाता है, या फिर क्या रियल का पॉट तो नहीं होता है, आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, तो वहां पर एक पॉट रख दिया जाता है जिसकी कोई ऐसी खासकर फूल व्यवस्था से संबंधित नहीं होता है, लेकिन वहां पर रखा जाता है। अब यिंग यंग की बात करते हैं, तो यिंग यंग आपका ये चाइनीज थोड़ा सा वर्ड है, और खासकर यिंग यंग एक इसकी क्वालिटी होती है कि जब भी किसी नमूने को इंडिकेट किया जाता है तो सर्किल में ही बनाया जाता है, उस सर्किल में ये क्वालिटी होती है कि इस तरीके से चित्रों को दर्शाया जाता है। अब हमें इसमें जो कुछ भी जो आकृति बनानी है, मान लीजिए हमने यहाँ पर ये बना दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, ये बना दिया, जब भी आकृतियां आपको मिलेंगी सर्किल फॉर्म में मिलेंगी, उसके अंदर एस डिजाइन इंडिकेट की जाएगी हमेशा, किसमें यिंग यंग, चाहे वो टैटू हो, चाहे वो कोई अल्पना हो, चाहे वो कोई सिंबल हो, कुछ भी हो, ठीक है, समझ में आई बात ना। जब हम बात करते हैं सीधे सीधे एकेबाना की, एकेबाना, मेरी माना और नाजीरे, ये तीन शब्द संबंधित होते हैं किससे, फूल व्यवस्था से। फूल व्यवस्था से कितने शब्द संबंधित होते हैं, तीन, इकेबाना, मेरी बाना और नाजीरे, मेरी बाना और नाजीरे, ओके। हम जब बात करते हैं इकेबाना, इकेबाना में आप लोगों ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इसको हम देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपका ये, तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। चलिए इसको हम देखेंगे, जब हम फूल व्यवस्था की बात करते हैं तो इकेबाना को किस किस नाम से जानेंगे, इकेबाना को हम जीवित फूल के नाम से जानेंगे, क्या जानेंगे, जीवित फूल, इनको जीवित फूल, इतनी जो फ्लावर डेकोरेशन इनका होता है इतना बेस्ट क्वालिटी का होता है कि उनमें जीवंतता देखने को मिल जाती है, उनमें जीवंतता देखने को मिल जाती है, ठीक है, इकेबाना को। इसमें क्या होता है, जब भी फ्लावर अरेंजमेंट किया जाता है इस तरह से, कुछ आपको वहां पर पॉट देखने को, सपोज दैट ये क्या है, एक पॉट होता है, इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है, इस तरह से कुछ एक 90 डिग्री पर बनाई जाती है, दूसरी आपकी 45 डिग्री पर और तीसरी आपकी 75 डिग्री पर बनाई जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फूल व्यवस्था कुछ इस तरह से आपकी की जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि आप इसमें क्या देखते हो कि जो आपकी पहली वाली लाइन है, तो ये आपकी सीधे सीधे तीनों के अलग अलग नाम दिए जाते हैं, इसको बोला जाता है शिन, इसको बोला जाता है शो, और इसको बोला जाता है क्या, हाई की, क्या बोलते हैं, हाई की बोलते हैं। तीनों के ही अलग अलग इंडिकेशन होते हैं, जैसे सिन आपका स्वर्ग प्रदर्शित करता है, सिन आपका स्वर्ग प्रदर्शित करता है, तो शो आपका मनुष्य प्रदर्शित करता है, तो हाई की आपका क्या, पृथ्वी प्रदर्शित करती है, ठीक है ना, क्या प्रदर्शित करती है, पृथ्वी, ठीक। अब होता क्या है, इसको हम इसी तरह से खासकर पूछ लिया जाता है, सिन लाइन आपकी क्या प्रदर्शित करती है, स्वर्ग, या ऐसे कभी वन लाइनर में पूछ लिया जाता है, मनुष्य फ्लावर अरेंजमेंट में जो एक मैन की संज्ञा दी गई है वो हम फ्लावर की किस लाइन से इंडिकेशन करते हैं, तो कितना शो को इंडिकेशन करते हैं, ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री पर होता है, ये आपका 45 डिग्री पर होता है, ये आपका 75 डिग्री पर होता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी, आगे हम बात करेंगे, इसको थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, 75, इसको बहुत लोगों के मन में तुरंत क्लिक करेगा कि दिस इज द रॉन्ग, बट इट इज नॉट रॉन्ग, ओके, ये गलत नहीं है, इसका थोड़ा डिटेलिंग करने में टाइम लगेगा, तो फटाफट हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये चीजें सारी आपको क्या, दूसरी चीज की कंडीशन होती है कि जब भी हमारा पॉट होता है तो पॉट का हम 1/1.5 गुना लगभग आपकी सिन होती है, उस सिन का, उस सिन लंबाई का लगभग 3/4 आपका शो होता है, उस 3/4 का आपका आधा होता है हाई की, ओके, ये चीज क्लियर हुई, आई होप दैट आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए
अब हम फिर से आते हैं कहाँ, अपने क्वेश्चंस को देखिए। फ्लावर अरेंजमेंट तो समझ में आया ना, इकेबाना क्या है। इकेबाना आपका किसी भी तरीके से ओवल और टीजीटी पीजीटी नेट सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इकेबाना। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे, देखेंगे निम्न में से किसने शिशु और उसकी देखभाल करने वाले के संबंध को समझने के लिए आचार शास्त्रीय सिद्धांत, किस सिद्धांत की यहाँ बात हो रही है। आचार शास्त्रीय सिद्धांत इथोलॉजिकल थ्योरी का प्रयोग किया गया है। बस आप इतना जानते रहिए, आपके जो होम साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पर टेट और सीटेट नहीं देना है, हमें होम साइंस से क्वेश्चन अपने पेपर्स को सॉल्व करना है। आप इसको इतना जानते हैं कि आचार शास्त्रीय सिद्धांत व्यक्ति के खासकर लगाव से संबंधित है। एक व्यक्ति, एक बच्चा जो है वो अपने अपने घर के वातावरण में जो रहता है, जिस एटमॉस्फेयर में रहता है, या जो व्यक्ति उसके नियरेस्ट रहता है, उसका किस तरह से लगाव बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमारे एक तरह से मानव के बीच जो आप ये कह सकते हो कि प्रॉपरली मनोवैज्ञानिक जुड़ाव, एक बच्चे के और व्यक्ति के अंदर जो मनोवैज्ञानिक जुड़ाव होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, लगाव। इससे संबंधित और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगाव का स्टेप पूछा जाता है कि पहले स्टेप में क्या आएगा, दूसरे स्टेप, जब उस तरह का क्वेश्चन हम लाएंगे तब उसके विषय में चर्चा करेंगे। आज अभी इतना ही जानिए, ठीक है। बाकी सब जानते हो जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है, कॉग्निटिव थ्योरी दी है, कॉग्निटिव थ्योरी दी है, ओके। और जॉन लॉक ने कौन सी थ्योरी दी है, जॉन लॉक महोदय ने सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रेरी कौन सी दी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसी इन्होंने थ्योरी दी। अल्बर्ट बंडूरा बहुत ही प्रचलित, बहुत ही जाने माने, इन्होंने दी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, कौन सी दी है इन्होंने, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, ओके। तो क्लियर हुआ ना कि जीन पियाजे ने सिर्फ कॉग्निटिव दी है, अल्बर्ट ने सोशल कॉग्निटिव दी है, और जॉन वॉल्मी ने कौन सी दी है, आचार शास्त्रीय सिद्धांत, ओके। तो क्लियर हुआ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। सारी चीजों को ये मत सोचिए कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, सारी चीज आपके बेशक ये नेट के क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो लेबल बढ़ा है ना आपका टीजीटी का पीजीटी का, नो डाउट वन लाइनर यहीं से बनते हैं, यहीं से क्रिएट होते हैं। बस थोड़ी सी बात एक ये हो जाती है कि क्वेश्चंस कितने गहराई से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन कितने ऊपर पर पूछे जा रहे हैं, समझ और पकड़ इसकी होनी चाहिए। आप इन्हीं क्वेश्चन में किसी चीज को कितने ओरली ले रहे हो, आप इन्हीं क्वेश्चन में कितना आप डीपली ले रहे हो, ठीक है, डिपेंड इस चीज पर करता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम बिना कोई बात किए आपको बताना चाहेंगे। जो यहाँ पर क्वेश्चन आप सीन कर रहे हो, सर्व शिक्षा अभियान आरंभिक, सॉरी सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ कौन से वर्ष में हुआ, कल मैंने बताया था आपको, आई थिंक ये मिला था हमारा सर्व शिक्षा अभियान, सॉरी सर्व शिक्षा अभियान कब आया आपका, 2001 में, सब जानते हो, बहुत जानते हो। लोगो पूछ लिया जाएगा, इसका लोगो क्या होता है, इसका लोगो होता है सब पढ़ें और सब पढ़ें, सब पढ़ें सब पढ़ें। हर सरकारी स्कूल के सामने, हर सरकारी स्कूल के सामने एक बड़ी सी पेंसिल बनी है, ऐसे मोटी सी, उसमें दो बच्चे बैठे, एक इस तरफ गर्ल बैठी है, एक बॉयज बैठा है, और बीच में लिखा है सब पढ़ें सब पढ़ें, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप देखते हो जगह जगह इंडिकेशन है, तो वो किसका लोगो होता है, वो लोगो होता है आपका सर्व शिक्षा अभियान से, अभियान का लोगो होता है, ओके। जिसको आपको साइलेंट वर्ड में कैसे पूछ लेता है, साइलेंट वर्ड इसका ये होता है SSA, सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ पर हिंदी में भी, इंग्लिश को हिंदी में या हिंदी को इंग्लिश में, इसी तरह से सेम हिंदी ही है, लेकिन उसका इंग्लिश शब्दावली दी गई है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये तो हलवा है, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा,
कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, यहाँ से ऐसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान किस अमेंडमेंट के तहत आया। तो सर्व शिक्षा अभियान 86वें संविधान संशोधन के तहत आया। किस अमेंडमेंट की यहाँ बात की जाती है, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत आया था। इसमें बताया गया था कि हर बच्चे का मतलब एज फैक्टर कर दिया गया था। एज फैक्टर कितना कर दिया गया, तो 16-14 ईयर के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य रखा गया था मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। क्या उद्देश्य रखा गया था, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ये सारे पॉइंट को आप एक जगह नोट कर सकते हैं, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। एक शक्ति मिशन अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लागू किया है, थोड़ा पॉइंट से हट कर है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, वहां पर आप देखते हो जो उस मिशन की कामयाबी रखी गई है वो 6 मंथ के लिए रखी गई है। 6 मंथ तक पर वीक में, हर महीने के हर वीक में, हर वीक का मतलब सिर्फ एक सप्ताह लिया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों को मोटिवेट किया जाएगा। जो कि मोटिवेट करने के तरीके होंगे, पोस्टर होंगे, सेमिनार होगी, कोई एक विशेष पर्टिकुलर ड्रामा हो सकता है, किसी तरीके से जो आपका शक्ति मिशन किया गया है वो खासकर महिलाओं की सुरक्षा केस से संबंधित कदम उठाने के लिए किया गया है, इसी से संबंधित है आपका शक्ति मिशन। ध्यान रखिएगा, कब लॉन्च किया गया था, अभी आपका 17 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया था। ठीक है, ये सारे कुछ पॉइंट हैं जो आपके बन सकते हैं, क्योंकि महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड कार्यक्रम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर, गुड मॉर्निंग, ओके जी, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, संप्रेषण मॉडल। कल हमने मॉडल बताया था आपको, यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हो, कौन कह रहा है, क्या कहता है, किस माध्यम के द्वारा कहता है, किसको और किस प्रभाव से। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर लागू होता है, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं, ट्रिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर WH फैक्टर लागू होता है। क्या लागू होता है, WH फैक्टर, क्योंकि हम कौन जब बोलेंगे तो हु बोलेंगे, क्या को बोलेंगे व्हाट, किसको बोलेंगे विच, किसको बोलेंगे हु, कुछ इस तरह से जो भी हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं सारी की स्टार्टिंग WH से, इसलिए इसका साइलेंट वर्ड क्या हुआ, WH फैक्टर मॉडल किसने दिया है। तो WH फैक्टर मॉडल बताइए किसने दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अरस्तु की, नो डाउट कल की वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया था, अरस्तु ने 3 ही बताए हैं, 3 शब्दों पर आधारित इन्होंने अपना मॉडल बताया है, और इनका मॉडल WH फैक्टर ना हो के क्या है, SSA है। जब हम बात करते हैं किसकी, लासविल महोदय की, किसकी बात करते हैं, तो लासविल महोदय को बोला जाता है WH फैक्टर मॉडल, का मॉडल, वन लाइनर मॉडल, देर आर मेनी नेम्स। ठीक है, तो लासविल महोदय ने क्या दिया है, ये इसका राइट ऑप्शन पहले ही मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। शैनन एंड वीवर की अगर हम बात करते हैं, तो शैनन एंड वीवर ने दिया है STSRD। क्या किया है इन्होंने, नाम कौन सा मॉडल लिया, STSRD। तो STS में इन्होंने बताया सोर्स, ट्रांसमिशन थोड़ा सा जगह कम पड़ी, ठीक है, ट्रांसमिशन, और उसके बाद इन्होंने इस S को क्या बताया, सिग्नल बताया, सिग्नल क्या बताया, सिग्नल बताया। इन्होंने R को बताया रिसीवर, रिसीवर बताया, और इन्होंने D को बताया डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। ये तो रटने वाली भाषा है, ये क्या है, ये तो रटने
रटने वाली भाषा है, लेकिन रटने वाला आपको पढ़ना नहीं है। आपको कैसे पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है। मैंने अपनी क्लास में आपको समझ कर सारी चीजें पढ़ना है। कैसे, अब इसको समझाने में टाइम लगेगा, सो डिटेल यहाँ पर नहीं होगी, सिर्फ आप इतना जानते रहिए कि है क्या। और डेविड बर्लो महोदय का कल मैंने ऑलरेडी बता दिया था, फिर भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। सेम ड्रॉ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आज ही जुड़े होंगे। सेम ड्रॉ, SEMDR, ठीक है। इन्होंने ये बताया, किसने, जो डेविड बर्लो का आपका कम्युनिकेशन का मॉडल इन्होंने बताया, क्या बताया, SEMDR। ऐसा इन्होंने मतलब बताया क्या, सेंडर, ई का बताया इनकोडर, एम का बताया मैसेज, डी का बताया डिकोडर और आर बताया रिसीवर। ओके, आर यू क्लियर? आई होप दैट आपको सारी चीजें बहुत ही नाइसली समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, वहां पर ही बता रहा अभिनेता और खिलाड़ी, ये आपका। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आप अगर बुक में ढूंढने जाओगे कभी नहीं मिलेगा, ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे। लेकिन मैंने आपको क्या, चीजों को उदाहरण देकर जिस तरह से समझाना बताना, पूरी पूरी इस पर डिपेंड करती है आपके। तो देखिए, बहुत आपके आगे इसी तरह से काम आने वाली है, इस तरह की पढ़ाई आपके लिए। तो देखिए, अभिनेता और खिलाड़ी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लोकप्रिय रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर का नाम तो खुद खूब सुना होगा, अभिनेता और खिलाड़ी का नाम खुद सुना होगा, ब्रांड एम्बेसडर का नाम खुद सुना। आपने कभी सोचा है कि भी किसी चीज को हमारे समाज में, आम जनता के बीच में उतारी जाती है, तो वहां पर हमेशा किसी अभिनेत्री और खिलाड़ी को ही क्यों लिया जाता है? अभिनेता, अभिनेत्री या खिलाड़ी, तीन ही शब्द आते हैं, ठीक है। तो अभिनेता, अभिनेत्री या खिलाड़ी को ही क्यों लिया जाता? भाई उस चीज को हम भी तो बता सकते हैं, लेकिन नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि हमारी समाज में उतनी पहचान नहीं है। तो जिसकी समाज में जितनी पॉपुलरिटी होती है, ब्रांड एम्बेसडर हमेशा उसी को बनाया जाता है, क्योंकि उसका, उनके फॉलोवर इतने ज्यादा होते हैं कि उनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज का ब्रांड दिया है, ठीक है ना, इसके बारे में बताया है, तो उस चीज को लोग ज्यादा से ज्यादा क्या अपनाते हैं। यही सिर्फ मतलब होता है क्या, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का, ठीक है। तो लोकप्रिय रूप से प्रयोग किया, बिल्कुल सही बात है। कोई हीरो हीरोइन आकर के आपसे यहाँ खड़े होकर बताएगा कि भैया ये चीज यूज करो, बहुत अच्छा है, आप विश्वास कर लोगे। लेकिन हम यहाँ अगर गला फाड़ फाड़ के बताते रहेंगे आम पब्लिक को, जो हमें नहीं जानती है, तो कोई हमारी बात मानने को तैयार नहीं होगा, भले ही हमारी जान क्यों ना चली जाए। तो ये अंतर होता है पॉपुलरिटी का और नॉन पॉपुलरिटी का, मतलब लोगों के जान और पहचान का, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा खिलाड़ी और अभिनेत्रियों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। बात हम करते हैं कारण की, अनाकर्षण संप्रेषकों की तुलना में आकर्षक संप्रेषण परिवर्तन के लिए राजी करने में अधिक प्रभावशाली। बिल्कुल सही बात है। जिस संप्रेषण का, जिस बात को हम यहाँ खड़े होकर बोलेंगे कि भाई देखो ये ब्रांड बहुत अच्छा है, आप इसको यूज करो, तो इतना लोग उसको सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन पर्टिकुलर एक ऐसी हाई प्रोफाइल, एक ऐसा हाई प्रोफाइल स्टेटस खड़ा कर दिया जाए आपके सामने, वो अपनी बात बोल देगा, आप तुरंत उसको क्या करने लगते हो, फॉलो करने लगते हो। इसलिए क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? आई होप दैट आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझे होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 19 है? महिलाओं के लिए आर्थिक स्वायत्तता धारणी, आर्थिक स्वायत्तता धारणी आजीविका का अभाव है। बहुत साफ साफ बताया जा रहा है कि जो हमारी वुमेन्स हैं, महिलाएं जो हैं, उनमें आर्थिक स्वायत्तता का धारणी, आर्थिक स्वायत्तता और धारणी आजीविका, मतलब उनमें डिपेंडेंसी होना किसके, आर्थिक रूप से डिपेंडेंसी होना किसी चीज की, और उसको अपनी आजीविका
का धारणा बहुत कम महिलाओं, ऐसी बहुत ही कम महिलाएं अभी भी समाज में, बेशक उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्कीम्स लॉन्च की जा रही हैं, लेकिन अभी भी ये इसका अभाव देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जब बात होती है आर्थिक की, आजीविका की, तो आप देखिए कि वहां पर महिलाओं का बहुत ही एक तरह से क्या धारणी आजीविका का अभाव रहता है, वो अपनी आजीविका बहुत ही आज भी कम गेन कर पा रही है। ठीक है, दूसरी चीज गृहस्थी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, गृहस्थी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को मात्रात्मक दृष्टि से नहीं, एक बहुत अच्छा शब्द यहाँ यूज किया गया है, मात्रात्मक दृष्टि से नहीं मापा जाता है और राष्ट्रीय खातों में उपयुक्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं होता है। बिल्कुल सही, इस तरह सही बोला गया है। क्या बोला गया है कि जो महिलाएं जो गृहिणी हैं, पर्टिकुलर घर में काम कर रही हैं, ठीक है, तो उस चीज को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या जाता है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उसको मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी के रूप में मीजर नहीं किया जाता, उसको ऐसे यूं ही हल्के से ले लिया जाता है। आप सभी जानते हो अगर अपने समाज में कुछ इस तरह की भी विडंबना है कि अगर कोई पुरुष काम करके आता है तो उसको बोलते हैं हाँ भाई वो ड्यूटी करके आए हैं, पैसे कमा के लाए हैं, लेकिन एक वुमेन्स चाहे सारा दिन काम करती रहे लेकिन उसका मात्रात्मक तरीके से, मात्रात्मक दृष्टि से उसको मापा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये समाज में भेदभाव दिखाता है मेंस और वुमेन्स में। ठीक है, तो कहने का मतलब अब बताइए आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये चीज क्लियर हुई। अपने पास अगर टाइम हो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, चलिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फटाफट इसको देखते हैं, बहुत जल्दी समझ में आएगा हम इसको जिस तरह से बताते हैं। यहां पर बोला गया प्रतिवर्ष का आकार, प्रतिवर्ष नहीं है, सुधार लीजिए, प्रतिदर्श, प्रतिदर्श मतलब सैंपलिंग, सैंपलिंग। ठीक है, अब सैंपलिंग थोड़ा सा समझ लो, सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग का मतलब होता है जब हम एक बड़े एरिया को किसी छोटी सी चीज में मीजर करते हैं और उस छोटे से आकार से या उस बहुत ही छोटी ग्रुप से हम पूरी जनसंख्या का आकलन कर लेते हैं कि हाँ इस पर ऐसा ही इसका ऐसा ही असर हुआ है, वही क्या कहलाता है, सैंपलिंग। एग्जांपल देख लो, बहुत अच्छे समझ आए। एक आप कुक मान लीजिए पतीली समझते हो ना, जिसको हम क्या, एक आप ये समझो बाउल है, बाउल समझिए, अच्छे समझ जाओगे, बाउल है, उस बाउल में आपने राइस पकने के लिए रखा, आप क्या करते हो उस जब राइस पक रहा होता है, कुकर में तो खैर खुल ही नहीं सकते हो बिकॉज उसमें एयर भर जाती है, हम जब बाउल की बात करते हैं, यहाँ पर आपने कुछ ग्रेन्स डाले, राइस डाला आपने, उसको पकाया, आप क्या करते हो पूरा का पूरा भगोना उठाकर ये पूरे चावल अपने हाथ में लेकर नहीं मीजर करते हो, आप एक चावल उठाकर देखते हो, चावल अगर पका हुआ होता है आप तुरंत आकलन कर लेते हो क्या कि पूरे बाउल का चावल क्या हो गया है, पक गया है। तो यही होता है क्या आपका प्रतिदर्श। ठीक है, तो यही आपका इस तरह से आप देखिए समझिए, प्रतिदर्श का आकार जितना बड़ा होगा परीक्षण की क्षमता उतनी बड़ी होगी। कह रहा है प्रतिदर्श का आकार जितना बड़ा होगा परीक्षण की क्षमता उतनी ही बड़ी होगी। उसके बाद बिल्कुल भाई करनी पड़ेगी, जितना हम सैंपल लेंगे तो वो तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद एक बड़े प्रतिदर्श आकार का परिणाम माध्य को छोटा मानक त्रुटि होता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये बताया जा रहा कि देखिए अगर एक बड़ा हमने सैंपल साइज लिया, जितने ज्यादा लोगों पर हम सैंपलिंग का, जितने ज्यादा लोगों पर हम जा करके उनसे समस्याएं पूछेंगे तो हमको उतने ही तथ्य बिल्कुल फैक्ट मिलेंगे, नो डाउट। और अगर हमने सैंपलिंग कम ली है और हम कुछ ही लोगों तक पूछेंगे तो वहां पर गलतियां होने के चांस ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। मान लीजिए कुछ बच्चे हैं यहाँ पर हमारे, हमने क्या किया 10 बच्चों को, 15 बच्चों को, जितने बच्चों को लेकर हम किसी गेम्स में गए, हमने ऐसे बच्चों को सिलेक्ट किया जो प्रॉपर से परिपक्व थे, ठीक है,
हम उनको लेकर गए वहां पर, इन्होंने प्रदर्शन किया, रिजल्ट क्या आया? बेस्ट रिजल्ट आया, क्योंकि बच्चे कैसे थे? परिपक्व थे। लेकिन हम सैंपलिंग साइज अगर बढ़ा दें, 10 से बढ़ाकर कितना कर दें? 50 कर दें सीधे सीधे। सैंपलिंग तो जरूरी नहीं है कि 50 के 500 बच्चे क्या हों, बिल्कुल परफेक्ट हों उस काम में, ऐसा नहीं है। तो 50 बच्चे अगर परफेक्ट नहीं होंगे तो आपका जो रिजल्ट क्या आएगा वो एवरेज में चला जाएगा। यहाँ पर एक्सपर्ट हो सकता है वो एक्सपर्ट 10 बच्चे हमने ऐसे ही लिए हों जो पूर्ण रूप से क्या हों, परिपक्व हों, या उस काम में माहिर हो जिस काम के लिए उन्हें ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, सैंपल साइज को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाएगा त्रुटियां उतनी ही कम होती जाएंगी, और सैंपल साइज अगर कम होता जाएगा तो त्रुटियां हमारी बढ़ती जाएंगी। इसलिए इस पॉइंट को देखते हुए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो आई होप दैट आप लोग बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अभी के लिए इतना ही। TGT का क्लास नहीं चला क्या? नीति पांडे बेटा, TGT की क्लास पर डे पर्टिकुलर सेम टाइम पर चल रही है। आप कहाँ रहते हो? ओके, तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन है। तो अभी के लिए आज इतना ही टाइम हो चुका है। कल हम फिर से मिलते हैं आपसे, इसी टाइम मिलते हैं बिल्कुल से 8 बजे, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।